हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है प्रिया के जायके में। आज हम बनाते हैं बची हुई रोटियों से हेल्दी डिलीशियस यमी 10 मिनट्स रेडी टू ईट पालक ऑन फ्रैंकीज। इस रेसिपी में मैंने आटे की बनी रोटियों को यूज़ किया है। जनरली नाश्ते या डिनर में रोटियां बच जाती हैं। इस रेसिपी में तेल काफ़ी कम यूज़ किया हुआ है, जिससे हेल्थ कॉन्शियस लोग भी अपने डाइट में मज़े से शामिल कर सकते हैं। रेसिपी को बच्चे भी काफ़ी पसंद करेंगे और आप भी टेंशन फ्री होकर के उनके लंच बॉक्स पैक कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है बची हुई रोटियाँ। फिलिंग्स के लिए एक कटोरी पालक, एक कटोरी स्वीट कॉर्न, एक कटोरी पत्ता गोभी, एक कटोरी शिमला मिर्च, एक कटोरी ग्रेटेड पनीर, कुछ टुकड़े अदरक के, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और कुछ पत्तियाँ मेथी के। चटनी के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच दही, धनिया पत्ती, 1 मीडियम साइज टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, अदरक, हरी मिर्च, नींबू का रस और जीरा लिया है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में पैन ऐड किया है, जीरा ऐड किया है, अदरक बारीक कट के मिक्स किया है, हरी मिर्ची मिक्स की है और साथ में फ्रेश मेथी लीव्स यूज की है। हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है, मेथी की पत्तियां क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसमें हम जो मैंने टमाटोज कट किया रखा है उसे मिक्स कर देंगे। मैंने जो टमाटोज मिक्स किया है वो भून चुका है। अब मैंने जो शिमला मिर्च काट के रखा है उसे भी इसमें मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसे पकाएंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ग्रेवी को थोड़े से करना है, बस सिर्फ सौटे करना है। अब इसमें मैंने जो पालक को मिक्स करना है। फ्रेश पनीर यूज किया है। अब इस फिलिंग्स को अच्छे से पनीर में मिक्स करेंगे। हमारी स्टफिंग बिल्कुल अब रेडी है, ये बिल्कुल पक चुका है। अब इसे हम साइड कर देंगे। हमारी फिलिंग्स बिल्कुल रेडी हो गई है और टॉपिंग के लिए हम चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो टमाटो, जिंजर, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट एंड कर्ड हम ऐड करते हैं और थोड़ा सा लेमन स्क्वैच कर देते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इसे ग्राइंड कर लेंगे हम। हमारी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब जो रोटी है उसे थोड़ा हम गर्म कर लेंगे। 1 मिनट तक उसे गर्म करके इसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे और आगे पीछे करके इसे थोड़ा सेक लेंगे। अब मैंने जो चटनी बनाया है उसे इस रोटी पे अच्छी तरह से लगा देंगे। अब जो हमने फिलिंग्स रेडी की है उस पर हम ये डाल करके और इसे फोल्ड कर, ये हाईली हेल्दी है। अब इस तरीके से हमें धीरे धीरे फोल्ड करनी है। इसी तरीके से बाकी बची हुई रोटियों को भी हम सेक लेंगे। ये भी बनकर तैयार हो गया है। अब गर्मा गर्म